हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो है क्वेश्चन और आंसर बेस्ड है, जिसमें कि क्वेश्चन दिया गया है और इसके बाद उसका आंसर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप सुपर टेट और LT ग्रेड और TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं और साथ में UPSC और PCS की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए है। अगर दोस्त आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद करती है तो अंत में आप लाइक कर दें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट पे, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। तो आपको आंसर दिख गया होगा, एक माह के भीतर। एक माह के भीतर क्या है, उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी। तो उस समय भारत क्या था, एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र था। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है दोस्तों, भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में क्यों जाना जाता है। क्वेश्चन है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में क्यों जाना जाता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका संसद के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। आगे देखिए दोस्तों, आगे है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। आगे देखिए, दल बदल विरोध अधिनियम एंटी डिफेंशियल ला के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है। किसको प्राप्त है दोस्तों, दल बदल विरोध अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की योग्यता और अयोग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है ये शक्ति। किसको प्राप्त है, लोकसभा अध्यक्ष को। आगे देखिए, विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार मतदान होता है। खुला मतदान होता है। कैसा मतदान होता है दोस्तों, खुला मतदान होता है। अगला देखिए, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की उद्घोषणा कौन करता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की उद्घोषणा कौन करता है, तो कौन करता है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या करता है, राज्यसभा में जो द्विवार्षिक चुनाव होते हैं उसकी उद्घोषणा करता है। तो दोस्तों, आपको मालूम होता है कि जो राज्यसभा है वो अस्थाई सदन है, जबकि लोकसभा अस्थाई सदन है। तो जो राज्यसभा है उसका हर 2 वर्ष के बाद क्या होता है, चुनाव होता है। मतलब कि उसके कार्यकाल अगर पूछा जाए तो 6 वर्ष होता है, लेकिन 2 वर्ष बाद उसका चुनाव होते रहता है। आगे देखिए, यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होता है। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं सूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होता है, ये आपको बताना है। वह न्यायालय में वाद्य योग नहीं रहता, वह न्यायालय में वाद्य योग नहीं रहता, ये ध्यान देंगे।
आगे देखिए अगला पॉइंट है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, तो किसके बिना अनुमति के, तो राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किए जा सकते। आगे देखिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकार को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है, तो किसके पास है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति हमारे मूलभूत अधिकारों को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। आगे देखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रथम प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रथम प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया, तो कब किया गया था, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो किसे बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। आगे देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भारित होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है का वेतन भारित होता है, कहाँ से दिया जाता है, तो ये बताना है भारत की संचित निधि पर। आगे है, भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है, अगर नए राज्यों का गठन करना है तो किसकी अनुमति से की जा सकती है, संसद की अनुमति से की जा सकती है। किसकी अनुमति से, तो संसद की अनुमति से। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें कौन कौन होते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं, ये आपको बताना है। उसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दोस्तों मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, जैसे आपका अगर संसद है, राज्यसभा है और लोकसभा है, तो उसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो नहीं इसमें भाग लेते हैं, बस निर्वाचित जो जनता द्वारा चुने जाते हैं या इस तरह चुने जाते हैं उन्हीं को लिया जाता है इसमें, ठीक है। भारत क्या है, तो भारत राज्यों का क्या है, संघ है। आगे देखिए, संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है, संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है, तो वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है। दोस्तों लोक कल्याण का मतलब होता है कि कुछ जैसे है कि कहीं कहीं क्या होता है, वेतन अगर मान लीजिए समान नहीं है लेकिन काम समान है, वहां पे लोक कल्याण ये जो है समान काम के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है राज्य के नीति निदेशक तत्व में, इसीलिए हर जगह समान कार्य का समान वेतन नहीं मिल पाता है। अगर यही मूलभूत अधिकार में रहता तो शायद सब लोगों को, चाहे वो अस्थायी रहे अस्थायी रहे कोई रहे, उसको समान अगर कार्य कर रहा है एक ही पद पे है और उनको अस्थायी है चाहे अस्थायी है किसी प्रकार से, तो वेतन क्या है समान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग होता है। जैसे यूपी में शिक्षा मित्र है और वहाँ पे टीचर भी है जो प्राइमरी टीचर है, लेकिन शिक्षा मित्र को कम वेतन मिलता है और जो प्राइमरी के टीचर हैं रेगुलर टीचर हैं उनको ज़्यादा वेतन मिलता है, तो वो क्या है वहाँ पे ये है सामान्य कार्य का समान वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो वो अगर सामान्य कार्य का समान वेतन अगर ये वाला नियम अगर मूल अधिकार में रहता तो वहाँ पे शायद मिलता, लेकिन ऐसा ये नहीं है। और लोग जो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व है इसको राज्य सरकारें माने या ना माने उनके स्वेच्छा पे निर्भर करता है, बस एक दिशा निर्देश जारी कर सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, राज्य की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है,
तो कितने बना सकती है? एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित टिप्पणी किसने की थी? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी? यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। किसने कहा था? केटी सा। एक कोटेशन आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, केटी सा। अगला क्वेश्चन है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया है? तो किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया है? तो किसमें है दोस्तों? केशवानंद भारती वाद में, केशवानंद भारती वाद में। अगला है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो कब लाया गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से क्या किया गया था? जो एजुकेशन था वो राज्य सूची से उसको समवर्ती सूची में लाया गया था। आगे देखिए, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के लिए संशोधन द्वारा दिया गया है? तो 24 संविधान संशोधन द्वारा। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के लिए संशोधन द्वारा दिया गया है? कब दिया गया है? तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 24वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है और कंटेंट ऐसा और चाहिए तो आप लोग जो है चैट बॉक्स में जरूर चैट करें कि आपको किस पे चाहिए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा जो ये वीडियो लाया जा रहा है वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमें कुछ मोटिवेशन मिल सके जिससे हम और वीडियो बनाएं और कंटेंट अच्छे अच्छे कंटेंट को लेकर आएं, जो आपके परीक्षा में अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प दे सके। तो दोस्तों, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार।